दोस्तों आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टॉप 100 बेसिक नंबर सीरीज फॉर एग्जाम इन 2020 में जितना भी एग्जाम होगा, बैंक, रेलवे, एसएससी यानी गवर्नमेंट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीरीज है हम 10 पार्ट में करेंगे, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें छोटा छोटा वीडियो होगा और उससे आपका बहुत आसानी होगा, 10 पार्ट में आपको ये कम्प्लीट हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 5, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 15, उसके बाद 75, उसके बाद 525, उसके बाद 4725, जो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 525 इसका ऑलमोस्ट 9 गुना है, 75 से 525 ये ऑलमोस्ट 7 गुना है, 15 से 75 ऑलमोस्ट ये 5 गुना है। तो इसका मतलब ये ऑड नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसका जो पहले वाला है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसका पहले वाला 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम ठीक से देखें तो 5 से 1 मल्टीप्लाई होने से ये 5 ही होता है और उसके 3 मल्टीप्लाई होने से 15 होता है। तो इसका मतलब ये इसका जगह ठीक है, ये 5 ही होगा। तो आपका इसका आंसर 5 है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 16 से 512 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। 64 से 512 ये ऑलमोस्ट आपका लगभग देखने से लगता है 8 गुना है। 64 ये ऑलमोस्ट 4 गुना है और 8 से 16 ये ऑलमोस्ट दुगुना है। तो आप देख सकते हैं ये 4 से 8 ये दुगुना है, 2 से 4 ये दुगुना है। इसका मतलब इसका जो पहला है इसका आधा होना चाहिए। तो ये अगर 1 से गुना हो और इसके बाद ये वाला पार्ट है ये अगर हाफ से गुना हो तो इसका मतलब इसका आंसर ठीक आएगा। तो 16 से हाफ होता है 8 और उससे 1 मल्टीप्लाई उससे 8 होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 8। क्वेश्चन 3 दोस्तों आप यहाँ पर अगर गौर से देखें तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 68 और 68 के बाद 133, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप ये गौर से अगर देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ एक गैप है। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंस निकालते हैं। 12 से 16 4 का डिफरेंस, 16 से 32 16 का डिफरेंस, 32 से 68 लगभग 36 का डिफरेंस, 68 से 132 64 का डिफरेंस और 132 से क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसके बाद वाला जो होगा ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो इसका जो नेक्स्ट का होगा ये होगा 132 प्लस 100 मतलब 232, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4, 400 उसके बाद 375 उसके बाद 425 343 उसके बाद क्वेश्चन उसका 295। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहले कम गया, उसके बाद ये बढ़ गया, उसके बाद फिर से कम हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद 295। तो अगर देखते हैं हम दोस्तों इसका डिफरेंस निकालने का कोशिश करते हैं, तो 400 से 375 इसका 25 कम हो गया, 370 से 424 अगर आप ध्यान से देखें तो ये 49 बढ़ गया है। 424 से 343 को अगर देखें ध्यान से तो ये ऑलमोस्ट 81 कम हो गया है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें ये सब स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, ये जो भी है ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। तो 9 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 11। तो 11 का अगर स्क्वायर देखें तो स्क्वायर तो 121 और ये माइनस प्लस माइनस इसका मतलब इसके बाद प्लस होगा 121। 343 का है अगर 121 ऐड करें तो ये होगा 464। और इसके बाद इसमें 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो उससे 169 अगर हम लोग माइनस कर दें तो 295, इसका आंसर 464 ही होगा। क्वेश्चन 5, 7, 26, 63, 124, 215। तो दोस्तों अगर आप बहुत गौर से देखें ये जो 7 है ये 8 का पास है और ये होता है 2Q
माइनस वन। अगर आप 27 देखें कि 27 का पास होता है जो होता है थीटा क्यू, उससे माइनस वन। अगर आप 63 देखें, ये 64 का पास होता है, 64 4 का क्यू होता है, 4 क्यू माइनस वन। 124 को अगर देखें तो ये 5 का क्यू से एक कम होता है। अगर आप 215 देखें तो ये 6 का क्यू मतलब 216 और उससे एक कम, इसका मतलब ये 7 का क्यू होगा और उससे एक कम होगा। तो 7 का क्यू होता है 343 और उससे एक कम मतलब 342। क्वेश्चन 6 दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट पहले कम गया और उसके बाद बढ़ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो बढ़ रहा है 17 से 9 क्या हुआ, ये हाफ से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद हाफ ऐड हुआ। हाँ, अगर इसमें देखें तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 गुना 1 9, उसके बाद एक ऐड हो से 10 हुआ। तो इसका मतलब अगर देखें हाफ के बाद 1 आता है मतलब हाफ बढ़ गया, तो इसके बाद फिर से अगर हाफ बढ़ेगा तो ये होगा 1.5। तो 10 का मल्टीप्लाई 1.5 मतलब होगा 15 है, उसके पास 1.5 अगर ऐड कर दे तो हो जाएगा 16.5। और इसी तरह 16.5 इंटू अगर 2 करें तो ये होगा 33 और उसके पास अगर 2 ऐड कर दें तो हो जाएगा 35। तो इसके मतलब इसका जो बाद वाला होगा उसका मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, उसके साथ 2.5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका जो आंसर होगा 35 इंटू 2 70, उसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर हो रहा है 90। क्वेश्चन 7 अगर देखे 6 से 17 तीन गुना होता है उससे एक कम, 17 से 50 तीन गुना हो रहा है उससे एक कम, 50 से 149 तीन गुना हो रहा है उससे एक कम, 149 से 446 तीन गुना हो रहा है उससे एक कम। तो इसके मतलब इसके बाद वाला जो आंसर होगा वो तीन गुना होगा और उससे एक कम होगा। तो 446 इंटू 3 होता है आपका 1338 और उससे एक कम होने से 1137। क्वेश्चन 8 दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो 7 के साथ 9 को ऐड करने से 16 हो रहा है, 9 के साथ 16 को ऐड करने से 25 हो रहा है, 16 के साथ 25 को ऐड करने से 41 हो रहा है। इसके मतलब 25 के साथ 41 करने से जो आंसर होगा वही होगा ये क्वेश्चन मार्क का आंसर। तो 25 के साथ 41 ऐड करने से आपका होता है 68। तो इसका आंसर आंसर होगा होगा 68। क्वेश्चन 9 दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 2 उसके बाद 9 उसके बाद 28 उसके बाद 65 उसके बाद 126 उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है और एक तो बात है कि ये क्यू का कुछ आसपास है, ये 125 के आसपास है, ये 64 के आसपास है, 27 8 के आसपास है, ये 1 का आसपास है। तो अगर हम करें 1 क्यू प्लस 1 तो 2 हो रहा है, और ये करें 2 क्यू प्लस 1 तो 9, 3 क्यू प्लस 1 27, 4 क्यू प्लस 1 65, 5 क्यू प्लस 1 125। तो इसका मतलब इसका जो बाद वाला होगा वो 6 क्यू प्लस 1 होगा। 6 क्यू प्लस 1 का मतलब 216 प्लस 1 मतलब 217 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 10 142 70 ये हाफ से मल्टीप्लाई होके उससे एक कम हो रहा है, 16 से 7 हाफ से मल्टीप्लाई होके उससे एक कम हो रहा है, 7 से 2.5 हाफ से मल्टीप्लाई होके एक से कम हो रहा है। इसका मतलब 70 भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा,
सेवन सेवन हाफ मल्टीपल 35, उससे एक कम मतलब 34 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।